हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि जो दोस्तों मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, मुझे आशा है और जो मेरे दोस्तों ने मुझे प्यार दुलार और सभी ने मुझे प्रशंसा करी है और इधर उधर से लोगों ने कॉल करके भी करा है। तो दोस्तों आज मैं जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता हैं नरसिंह देवता, उत्तराखंड के ही नहीं नरसिंह देवता को ऐसा कौन है मतलब जो नहीं जानता है, वो तो सभी को पता है भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं और प्रचलित कथाएं हैं उनकी। सत्ययुग में उनने अवतार लिया था तो तब से बोला जाता है कि जब इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो इनने जोशीमठ में आके ध्यान लगाया था अपना और उसके बाद इनका क्रोध वगैरह शांत हुआ। तो मैंने जगह जगह से जानकारियाँ निकाली हैं और लोगों के अलग अलग मत आए हैं तो मैं वही आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों आओ मैं आपको पहाड़ के कुछ लोगों से मिलाता हूं, जिसको जैसे जो बोला है अन्न धन निर्धन को जैसे जो मर्जी वो वरदान दिए हैं तो मतलब वो पूरे हुए हैं नरसिंह देवता ने। तो दोस्तों आओ मैं कुछ जानकारियां निकाली हैं मैंने, वो आपके सामने रखा हूँ। ये नरसिंह की कृपा, नरसिंह की कृपा। दोस्तों यह मंदिर का निर्माण 1200 ईसा पूर्वी में हुआ था और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करा था। दोस्तों मेरा यह कहानी सुनाने का मतलब एकमात्र मकसद है उत्तराखंड का प्रचार करना और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना। मैं भी शंकराचार्य जी का वंशज हूँ और यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। ये नरसिंह भगवान जी का विशाल मंदिर है, पहले छोटा था, इसका जीर्णोद्धार हुआ अभी हाल ही में। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा, ये स्वयंभू शालिग्राम है, इस मूर्त को किसी ने नहीं बनाया है, ये भगवान नारायण जो है वो स्वयं प्रकट हुए हैं जी। संहित कुमार संहिता में उल्लेख किया गया है भगवान नरसिंह की जिस दिन जो एक कलाई है लेफ्ट हैंड साइड की जो कलाई है वो डे बाई डे थिन होती जा रही है, जिस दिन वो अपने विग्रह से अलग हो जाएगी उस दिन भगवान बद्री विशाल की यात्रा लाइफ टाइम की अदम्य हो जाएगी। मैं जो है कथा बताने जा रहा हूँ ये हमारे पहाड़ों की प्रचलित कथा है, जागरू में सुनी हुई है। दोस्तों जो नरसिंह है दूधाधारी और इनका बोला जाता है शिव जी की जटाओं से इनकी उत्पत्ति हुई है। बोले जाते हैं नौ भाई नरसिंह, बोला जाता है नौ भाई नरसिंह हुए और शिव जी ने अपने बालों में केसर डाला था तो केसर फिर उनकी दूध से सिंचाई हुई। दूध से सिंचाई होने के बाद जो शिव जी के बाहर से निकले बालू में से फूल, तो पहला फूल पड़ा केदार नरसिंह में, तो केदार कुंड में तो पड़ा पर केदार नरसिंह हो गया। दूसरा बद्री कुंड में पड़ा तो बद्री नरसिंह हो गया। तीसरा दूध के कुंड में पड़ा तो दूधिया नरसिंह हो गया। और दूसरे चौथा डोंडिया के कुंड में पड़ा तो डोडिया नरसिंह हो गया। और खंडोया के जंगल में पड़ा तो खंडोया नरसिंह, तिकोनिया के जंगल में पड़ा तो तिकोनिया नरसिंह, चौकोनिया नरसिंह, चंद्र नरसिंह, पंच नरसिंह, ऐसे नाम पड़े इनके। और उसके बाद इनको और नामों से ही बुलाया जाता है कई जगहों पर, पिंगला नरसिंह, अघोर नरसिंह। और दोस्तों ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और बोला जाता है इनसे माता काली के पुत्र थे। एक बार की बात होती है जोशीमठ में, जो भूमि पर राज था कतुरी वंश के राजाओं का था, जो असंती और बसंती थे। एक बार वह अखेट खेलने गए हुए थे तो घर पर जोगी नरसिंह आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तब माता रानी अपनी जो पुत्री छोटी होती है उससे बोलती, जा बेटा कोई भिक्षा मांगना है। बच्ची भिक्षा लेके आती है तो साधु महाराज कहते हैं हम बच्चों के हाथ से भिक्षा नहीं लेते हैं, हम भिक्षा लेंगे तो माता रानी पिंगला के हाथ से लेंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। तो जब बच्ची यह सुनती है वह रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है, कहती है माँ तेरे दरबार में एक जोगी आया हुआ है और जो मेरे हाथ से भिक्षा लेने से मना कर दे रहा है। तब माता कहती है ऐसा कौन जोगी आया है जो भिक्षा लेने से मना कर रहा है। माता पिंगला बोलती है, तब माता रानी पिंगला रानी जाती है बाहर, तो माता रानी कहती है जोगी को प्रणाम करती है, जोगी को प्रणाम। तो जोगी कहते हैं प्रणाम माता, प्रणाम माते। तो उसके बाद
जोगी महाराज के लिए वो कपड़े और जो खाने पीने का जो होता है राशन पासन भिक्षा अक्सर लेकर आती माता, कहती है जोगी महाराज आप ये भिक्षा पकड़ो। तब जोगी महाराज भिक्षा लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं हे माता आज मैं इस घर से भिक्षा नहीं लूँगा, आज मैं यहाँ भोजन करूँगा छाट का। तो माता रानी कहती है महाराज भिक्षा नहीं लोगे आप, हाँ भिक्षा लेने से मना कर देते हैं। तब वो कहती है मैं आज यहाँ मेरे को छाट का भोजन कराओ और मुझे और मैं यहाँ आज भोजन करूँगा। तो माता कहती है ठीक है आप भोजन करोगे तो मैं आपको भोजन कराऊंगी। कहती है जो मेरे पतिदेव असंती और बसंती हैं तो वो तो वहाँ जा रखे हैं अखेट पर जा रखे हैं, और अखेट पर जा रखे हैं तो घर पे वो एक रेखा खींच जा रखे हैं, कोई अंदर नहीं आ सकता है, जो अंदर आएगा वो भस्म हो जाएगा और जो बाहर जाएगा वो ही भस्म हो जाएगा। तो अब ऐसे में कैसे कराऊंगे तुम्हें भोजन में छाट का। तब जोगी नरसिंह होते हैं तब वो अपनी झोली में से बबूत निकालते हैं, और बबूत निकालते हैं तो बबूत रेखा में डाल देते हैं और बंगाल का जादू पढ़कर वह भस्म की जो रेखा खींची हुई थी असंती और बसंती ने उस रेखा को ख़त्म कर देते हैं जोगी नरसिंह। तब उसके बाद वह अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद माता रानी जो पिंगला रानी माता रानी होती है वो बोलती है हे जोगी महाराज मेरे घर में माता के यह वचन सुन के जोगी वीर नरसिंह बोलते हैं माता रानी लाओ पानी मैं ले आता हूँ कहाँ से लेकर आना है। तब माता बोलती है पानी जोशीमठ में तो है ही नहीं, यहाँ पानी आपको या बद्री जाना पड़ेगा या काशी जाना पड़ेगा। तब वहाँ से 3 दिन जाने में लगते हैं और 3 दिन आने में लगते हैं, तब जाके पानी आएगा और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तब वीर नरसिंह यह सुनते हैं तो उनको बड़ा वो होता है आश्चर्य। तब वो कहते हैं माता, तब जोगी जो नरसिंह होते हैं उनका ज़रा क्रोध एकदम से आ जाता है, तब बोलते हैं हे माता मैंने अगर विष्णु प्रयाग का पानी अगर यहाँ न मंगा दिया और नीलकंठ का पानी यहाँ न मंगा दिया तो मैं भी जोगिनी मैं भी अपने बाप से पैदा नहीं होऊंगा। वीर नरसिंह ऐसी बोली मार देते हैं वहाँ पर। तब माता जो पिघला होती कहती ठीक है जोगी महाराज आप पानी निकालो और जब आप पानी निकाल दोगे तो मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी छाट का जाओ। तब जोगी नरसिंह मारते हैं चिमटा वहाँ पर तो वो चिमटा सीधा पैताल के धार में लग जाता है और जैसे ही चिमटा ऊपर निकालते हैं तो पानी की धारा धर 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 उसके पश्चात पानी की घर 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 धारा बहने लग गई। तो उसमें एक गर्म पानी की धारा बह रही थी और एक ठंडे पानी की। तब वीर नरसिंह ने एक घड़ा पकड़ा और घड़े में पानी भरा और माता रानी के पास में ले गए, कहा हे माता रानी अब आप ये पकड़ो और मेरे लीजिए छाट का भोजन बना दो और मैं बड़े प्यार से भोजन करूँगा। जब तक आप भोजन बनाते हो माता मैं स्नान करके आता हूँ और मैं स्नान करके आऊँगा माता, उसके बाद मुझे आप छाट का भोजन बना के दे देना। तब इतना कह के जो जोगी नरसिंह थे वो चले जाते हैं नहाने। उसके बाद माता आवाज़ लगाती आओ साधु जी आओ भोजन कर लो, भोजन तैयार है आपका। तो माता रानी जो भोजन देती है उनको पत्ते की थाली में देती है। तब जोगी नरसिंह को यह देख के गुस्सा आ जाता है, बड़ा क्रोध आ जाता है, कहते हैं माता रानी मैं अगर खाना खाऊंगा तो कांसे की थाली में खाऊंगा, मैं ये थाली में नहीं खाऊंगा।
तब माता कहती है वो थाली तो राजाओं की है, असंती और बसंती की, अगर मैं आपको उसमें भोजन दे दूंगी तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। तब वो जोशी जी कहते हैं, जोगी जी कहते हैं, अगर आप मुझे उसमें भोजन नहीं दोगे माता रानी तो मैं तुम्हें फटकार दे दूंगा। तब यह डर के मारे माता रानी, तब माता काफ़ी डरी हुई रहती है, तो माता कहती है हे जोगी महाराज, जो यह कांसे की थाली है ये मेरे बसंती और असंती की है और वो इस थाली में खाना खाते हैं, और मैं यदि आपको ये थाली दे दूंगी खाना खाने के लिए तो वो घर आके मुझे मारेंगे। तब जोगी नरसिंह गुस्से में कहते हैं माता आप मुझे खाना कांसे की थाली में अगर नहीं परोसोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं तुम्हें फटकार मार दूंगा। तब जो माता होती है माता डर जाती है पिंगला माता, और वो कस्तूरी की जो थाली होती है कांसे की उसमें खाना परोसती है जोगी महाराज के लिए। अब जोगी महाराज जैसी थाली को खाना परोस के खाने को तैयार होते हैं और थाली में जैसी हाथ लगाते हैं तो इतने में वहाँ हाहाकार मच जाता है क्योंकि वो सब कतुरी वंश वगैरह बाहर से आ जाते हैं। लखमा बिराई रामन भगे जगुआ कुकुर भोकर लगो रे नौ लाख किरो मरीसा जोन गरी तुमरा गरारो जोगी नरेजी। तब बाहर से असंती और बसंती सब आ जाते हैं और आने के बाद वह अंदर जोगी से बोलते हैं कि कौन चोर आ गया हमारे घर में और जो हमारे स्थान पर बैठ रखा है। दोनों असंती बसंती कहते हैं और जोगी नरसिंह ये बात सुन रहे होते हैं। तब वह अपने स्थान से खड़े उठ जाते हैं और भस्म की जो रेखा होती है उसको निष्क्रिय कर देते हैं। तो असंती बसंती दोनों अंदर आ जाते हैं। तब दोनों में युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध छिड़ जाता है तो लगातार 3 दिन 3 रात युद्ध चलता रहता है। जब युद्ध चलता रहता रात दिन तो 3 दिन तक अब वो असंती और बसंती जो राजा थे वो थक जाते हैं, तो थक के मारे वो बैठ जाते हैं। तो बैठने के बाद कहते हैं जब थक जाते हैं तो उसके बाद कुछ विचार नहीं आता, तब कहते हैं हे जोगी महाराज ये झगड़ा कैसे निपटेगा आप हमें बताओ। अब यहाँ पर बचनु का मोल पड़ जाता है तो असंती और बसंती कहते हैं हे जोगी महाराज अब आप ही बताइए यह झगड़ा कैसे निपटेगा, हमें कोई मार्ग दिखाएं। तब जोगी नरसिंह जो थे वो दया में आ जाते हैं और दया में आ जाते हैं तो तब वो कहते हैं कि आप यहाँ से मेरे स्थान को छोड़ के चले जाओ। तब वहाँ से छोड़कर वो जो कतूरी थे सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जोगी फिर वहाँ का सारा राजपाट दुधिया नरसिंह को सौंप के चले जाते हैं। तो 14 शास्त्र और 18 वेद का ज्ञान वहाँ अर्जित करते हैं और जब अपनी ये धोनी रमाते हैं और धोनी रमाने के बाद ये वहाँ अपनी तपस्या में तिलक चंदन और तंदूर का लट्ठा हाथ में पकड़ते हैं और फिर ये अपनी धोनी रमाते हैं और कान में कुंडल पहनते हैं। उसके बाद ये 14 शास्त्र 18 पुराण जो पढ़ियाली जोशी मठ में जो खंडी जो रमाई बड़ पीपल गायन जो जलाई नौनिया बदन में बभूति जो रमाई श्री हरि विष्णु को ध्यान जो लागो राम मात का पूरा गुशे करा मात का पूरा छे
बहुती रमैया खैरवान की झोली थी मुर्गो छोटा सुरजालो जिंदा भगवाई पैर जो तुम्हारी गले में रुद्र की माला जो पहनी। उसके बाद नरसिंह देवता कतिरियों के साथ भी चले गए। उसका कतिरियों के इष्ट देवता भी नरसिंह देवता ही बने। दोस्तों अब यह कथा एक कथा बहुत पुरानी है, ये भी प्रचलित में है। पुरिया और सूर्या सूर्याहार के दो थे तो उन्हें राजा एक बंदी बना देते हैं कारागार में 3 दिन 3 रात तक। तब वह बहुत परेशान हो जाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं तो वो अपने इष्ट देवता नरसिंह भगवान को याद करते हैं प्रिया और सूर्या। तब वो तय खाने में मतलब जाके कराते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, नेपाली चिमटा तेरा तिमूरों का लठा और हाथ में कमंडल और कानों में कुंडल नेपाली मेरा नेपाली जोगी आया। इस टाइप से मतलब जागर में इनका वखान करते हैं। और उसके बाद ये पुरिया और सूर्याल के वहाँ कारागार में पहुँच के उनके हाथों की हथगड़ियाँ खोल लाते हैं और उनको भी कैद से मुक्त कराते हैं। ये भी एक जागर में प्रचलित कथा है। तो दोस्तों मैंने अपनी बुद्धि और शुद्धि के अनुसार आपको पूरा प्रयास करा है कथा सुनाने का नरसिंह भगवान का। और यदि मुझसे कोई कथा में भूल चूक अगर कहीं पर कोई कमी बेसी रह गई हो तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि नरसिंह भगवान हर किसी के घर के इष्ट देवता हैं और मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ जो मैं उनकी लीला का वखान कर सकूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि नरसिंह भगवान का जगत में प्रचार और संसार पूरा हर जगह उनका नाम फैले। तो दोस्तों जो ये उत्तराखंड के विशेष में मैं चैनल बना रहा हूँ तो मैं सभी से आशा करता हूँ आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों आओ मैं आपको अपने पुराने वीडियो की लिंक भी दे दूँगा और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे पुराने वीडियो को भी सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।